एमपी के देवास में अधिकारी के चैम्बर में घुसकर बीजेपी नेता ने जो किया उसका वीडियो हो गया वायरल। देवास नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर को मारने उठ गए नेताजी। लगभग 2:15 बजे 2:30 से 2:30 के बीच में अपने कार्यालयीन काम में व्यस्त था, इसी बीच पार्षद सत्ताधारी दल के नेता पक्ष मनीष सेन जी और इरफान अली पार्षद प्रतिनिधि और ठेकेदार अनीस शेख ये मेरे कक्ष में आए और आके मुझसे गाली गलौज करने लगे। प्रारंभ से ही उन्होंने बोला देख लेंगे तुम नौकरी कैसे करते हो, हम जानते हैं। मैंने बोला भाई साहब मैटर क्या हो गया, उन्होंने कुछ नहीं बहुत ही गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दी। इरफान अली तो मारने तक का प्रयास किया मुझे जी, और ये सब चीज़ की रिकॉर्डिंग पूरे वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड है क्योंकि मैं TI साहब को प्रोवाइड कर चुका हूँ। क्या कारण रहा सर, क्या अचानक जो कारण, उन्हें कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला तुम इतने दूर से हो ऐसा करोगे वैसा करोगे, हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा, जैसा हम बोलेंगे नहीं करोगे फिर देख लेना तुम। और पूरी ही समय वो अभद्रता ही करते रहे। अभी आप थाने पर पहुंचे हैं, क्या शिकायत की आपने? शिकायत मैंने जैसा जो मैंने आपको बताया वही मैंने लिखवा के दी है। तो फुटेज की जांच के लिए SI साहब अभी अंदर कंप्यूटर में देख रहे हैं, उन्होंने कहा फुटेज पहले मैं देख लूँ उसके बाद मैं कार्य नहीं करूँ। आए दिन नगर निगम में वो जो पुलिस सप्लाय सारा पार्षद के साथ दादागिरी करता है, खुली भ्रष्टाचारी कर रहा है नगर निगम में, उसके बाद भी पार्षद दोनों काम के लिए जाते तो टालता है, और उसके लिए जब हम बात करने गए तो उसका व्यवहार अशोभनीय था, और जब हमने बात करना चाहिए तो वो विनय सांगते जी से जाति सूचक शब्द बोलने लगा, और फिर हम थोड़ा उत्तेजित हुए तो वो उस प्रकार भी हमसे बात करने का, और थाने पे झूठी रिपोर्ट लिखवाने आया है। पता चला थाने में से भाग गए वो, रिपोर्ट आधी रिपोर्टिंग लिखकर चले गए थाने पे, उनको बड़ा कुछ आवेदन देके गया।